मान लीजिए यहां पर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। और मान लीजिए कि ये कोण यानी कि एंगल 7x जमा 182 डिग्री है और ये वाला कोण 9x जमा 194 डिग्री है। तो मेरा प्रश्न है कि इनमें से प्रत्येक कोण का माप क्या है, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके इस बारे में सोचें। शायद आपने जान लिया होगा कि ये दोनों कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों कोण इन प्रतिच्छेदी रेखाओं यानी कि वर्टिकल लाइंस के कारण बने हैं, और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का माप एक दूसरे के बराबर होता है, और इसलिए 9x जमा 194 डिग्री का मान 7x जमा 182 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और अब हमें केवल x का मान पता करना है, तो इसके लिए हम सभी x चरों को बाएं पक्ष में ले जाते हैं, और ऐसा करने के लिए हम दोनों पक्षों में से 7x को घटा लेते हैं। हमें दोनों पक्षों में से 7x को घटाना है ताकि समीकरण यानी कि इक्वेशन का मान बराबर रहे। और अब हम स्थिरांकों यानी कि कॉन्स्टेंट्स को दाएं पक्ष में ले जाते हैं, और ऐसा करने के लिए हम दोनों पक्षों में से 194 को घटा लेते हैं। तो घटाने पर बाएं पक्ष में अब केवल 2x रह जाएगा, और दाएं पक्ष में ये हो जाएगा 182 घटा 194। अगर हमें 194 में से 182 को घटाना होता तो घटाने पर धनात्मक 12 प्राप्त होता, लेकिन हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, इसलिए ये ऋणात्मक 12 है। और अब हम दोनों पक्षों को 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं, जिससे ये हो जाएगा x बराबर ऋणात्मक 6। और अब हम x का मान इन दोनों कोणों में किसी एक में रखकर इनका माप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो 7x जमा 182 में x का मान रखने पर ये हो जाएगा 7 गुणा ऋणात्मक 6 जमा 182। तो 7 गुणा ऋणात्मक 6 हुए ऋणात्मक 42, और इसमें 182 को जोड़ने पर उत्तर 140 डिग्री आता है। और अब हम 9x जमा 194 में भी x का मान रखकर उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 गुणा ऋणात्मक 6 यानी कि ऋणात्मक 54, और इसमें 194 जोड़ने पर भी उत्तर 140 डिग्री ही आता है।